पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए। उसके अंदर मैंने आपको ये समझाया था कि जैसे आप मेरी सेकंड पार्टी हैं, तो उसके लिए भी हमें एक लैंग्वेज की जरूरत होती है, जो या तो हिंदी होगी या फिर इंग्लिश होगी। उसके बाद फिर मैंने आपसे ये कहा था कि लेटर सजो मेरी सेकंड पार्टी अगर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को जीरो और वन समझ में आता है, उसको हमने मशीन लैंग्वेज बोला था। बट उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम थी कि हर चीज को जीरो और वन में लिखना इज वेरी टीडियस जॉब, एक बोरिंग जैसा काम है। उसकी जगह पर एक नई लैंग्वेज आई थी असेंबली, देन आई विल डिस्कस सम लाइक आई हैव डिस्कस सम लाइक हाई लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद मैंने सी के बारे में भी आपको बताया था। सी की एक मैंने आपको विशेषता बताई थी कि यह एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का मैंने आपको शायद मतलब समझाया था कि इसके अंदर दोनों तरीके की प्रोग्रामिंग हो जाती है, लो लेवल की और हाई लेवल की। बट हम लोग इसमें एक्चुअली जावा सीख रहे हैं, इसीलिए मैं अभी पुरानी सारी लैंग्वेजेस की कुछ कमियां बताऊंगा। जैसे सी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें विंडोज प्रोग्रामिंग करना बड़ा टफ डिफिकल्ट टास्क था। आपने सी जरूर पढ़ी होगी, इससे पहले जावा को इंसान सीख रहा होता है तो उसको सी थोड़ी बहुत आती रहती है। तो सी में कभी आपने बटन नहीं बनाया होगा, आपने कभी कोई टेक्स्ट बॉक्स नहीं बनाया होगा। उसका कारण यह है कि इस बटन की कोडिंग करने के लिए भी आपको करीब 3-4 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सी के अंदर विंडोज प्रोग्रामिंग नहीं होती है, होती है, बट बहुत कोड बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आप एक सिंपल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बना रहे हो तो आपको करीब थाउजेंड्स लाइंस ऑफ द कोड लिखना पड़ जाएगा। तो आज के जमाने में हर इंसान एक शॉर्ट फॉर्म चाहता है उसकी। तो देखिए, पहला ड्रॉबैक तो सी का यही था कि विंडोज प्रोग्रामिंग इज वेरी डिफिकल्ट। दूसरी चीज, यह एक सिक्योर लैंग्वेज नहीं मानी गई है। इसका कारण क्या है? सी के पास अपना खुद का रन टाइम एनवायरमेंट ही नहीं है जहां पर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। सी किसका रन टाइम एनवायरमेंट यूज करती है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सी जो रन टाइम एनवायरमेंट यूज कर रही है वो किसका कर रही है? ओएस का। मान के चलिए आपने कोई इंटरनेट से सी का प्रोग्राम डाउनलोड किया और किसी जो प्रोग्राम किसी हैकर टाइप के बंदे ने बनाया है, तो आप जानते हैं कि ओएस की जितनी भी एक्सेस होती हैं वो सी के अंदर विंडोज नाम का फोल्डर होता है, उसके अंदर कोई सिस्टम 32 नाम का फोल्डर, तो जितनी भी एक्सेस होती है वो सारे उस फोल्डर के अंदर है। और सी के अंदर हम exe को एग्जीक्यूट कराने का प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे किसी ने शटडाउन की exe को कॉल करा लिया सी के प्रोग्राम से, तो मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बना दिया किसी इंसान ने, जैसे ही आप उसे चलाओगे आपका सिस्टम ही शटडाउन हो जाए। तो एक तरह से ये रिस्की तो है कि कोई आपकी ओएस को ही करप्ट कर सकता है। तो इससे सिक्योर नहीं माना गया। क्यों? क्योंकि सी के पास अपना खुद का रन टाइम एनवायरमेंट तो था नहीं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किसी ऐसी लैंग्वेज की जरूरत थी जिसका इंटरेक्शन ही ओएस से ना हो। तो इस पूरे यूनिवर्स में सबसे पहले कोई लैंग्वेज अगर ऐसी थी तो उसका नाम जावा था। जावा कभी भी डायरेक्टली ओएस से कांटेक्ट नहीं करती है, क्योंकि उसके पास अपना खुद का रन टाइम एनवायरमेंट होता है, जो मैं आगे चल के डिस्कस करूंगा, जिसे जेआरई के नाम से जानते हैं, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। ये सारी चीजें लिखी हुई, देखिए, इट वॉज नॉट सिक्योर्ड लैंग्वेज बिकॉज इट इंटरेक्ट विद व्हाट? ओएस। ये ओएस की लाइब्रेरी को करप्ट, जिसको ये हैकर टाइप का बंदा वो भी तो एक प्रोग्राम लिख सकता है। सो जावा का तो मैं डिस्कशन करूंगा, बट ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, चाहे मैं सी की बात करूं या कोबोल की बात करूं या मैं जावा की बात करूं। तो मैं स्पेशली अभी जावा की बात करूंगा। तो जावा एक प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करता है। कई सारी बुक्स में आपको प्रोग्रामिंग अप्रोच वर्ड मिलेगा, कई सारी बुक्स में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी कहते हैं, वो क्या है? ऊप्स। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ऊप्स कोई लैंग्वेज नहीं, ऊप्स एक प्रोग्रामिंग करने का तरीका होती है। इसकी फुल फॉर्म है, इट्स स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर।
मेरा इंटरेस्ट एस में, बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल जाएंगे इन्हें ऊप की फुल फॉर्म तो आती होगी विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट वो एस की फुल फॉर्म नहीं जानते होंगे। तो मैं तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ऊप याद रहे न रहे बट आपको एस का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। So, OOPS is not a language, it is a software development methodology. यह एक software को develop करने का तरीका होती है. It is created on the basis of the real world system. जो इसका जो model है, वो real world से associated है. So, आगे चल के जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा उनमें हर जगह में आपको real life का ही example आपको दूंगा. यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता था कि जावा ऊप्स को फॉलो करती है बट एक लैंग्वेज और सुनी होगी आपने सी प्लस प्लस, वो भी ऊप्स को फॉलो करती है और जावा से पहले सी प्लस प्लस आया, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब सी प्लस प्लस ऊप्स को फॉलो करता है और जावा भी ऊप्स को फॉलो कर रहा है तो फिर मैं जावा से पहले क्यों ना सी प्लस प्लस सीख लूं। या मान के चलिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको ऑलरेडी सी प्लस प्लस आती है तो उसके दिमाग में ये भी क्वेश्चन तो आ सकता है व्हाई शुड आई लर्न जावा। तो आज चलिए मैं आपको सी और सी प्लस प्लस दोनों की मिलकर बुराई करता हूं, राइट। और आपको जितने भी बच्चे होते हैं ना वो नॉर्मली टर्बो सी प्लस प्लस आई डी का यूज करते हैं, तो आपने जो सी का प्रोग्राम भी बनाया ना वहां पर आपने जो एडिटर जो कंपाइलर आप यूज कर रहे थे वो सी प्लस प्लस का, वो टर्बो सी प्लस प्लस आईडी होती है और सी प्लस प्लस के कंपाइलर में सारे सी के प्रोग्राम चल जाते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस जो लैंग्वेज है ना वो सी और एक लैंग्वेज और होती है सिमुला 67, उन दोनों लैंग्वेजेस से मिलकर बनी हुई है। तो चलिए मैं इन दोनों की कंबाइंडली आपको प्रॉब्लम बताता हूं। जैसे आपने कोई भी एक प्रोग्राम बनाया, चाहे हो सकता है वो सी में हो या फिर वो सी प्लस प्लस, प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर प्रोग्राम का नाम क्या रखा हुआ है, हेलो रख दिया। अब एक्सटेंशन तो आपको देना पड़ेगा, या आप नहीं देते तो बाय डिफॉल्ट इम्प्लिसिटली वो ले लेता है। आप इसे ऐसे समझ लिया करो जैसे हमारा एक सरनेम होता है ना, कोई सिंह लगा रहा है कोई शर्मा लगा रहा है, वैसे ही ये एक्सटेंशन होते हैं। बट आप ये अच्छे से जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 ही समझता है और यहां पर कोड या तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है या फिर सी प्लस प्लस में लिखा गया है। और ऐसा कोई कोड जिसे आप और मेरे जैसा इंसान लिखता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, क्या कहेंगे, सोर्स कोड। तो हर लैंग्वेज के साथ साथ आजकल एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी आता है जिसे आप कंपाइलर या इंटरप्रेटर के नाम से जानते हो। कंपाइलर है क्या, इट वर्क्स एज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो कि सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट कर रहा होगा भैया, मशीन कोड के अंदर। बट मैं आपको बता दूं सी और सी प्लस प्लस के पास अपना खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट तो था ही नहीं, तो ये किसका रन टाइम एनवायरनमेंट यूज करें, विंडोज का। तो इसमें होता क्या है, जिस टारगेट पर आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप इसे यूज करना चाहते हैं उस ओएस की लाइब्रेरी भी उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो कंपाइलेशन करने से तो ये सोर्स कोड किसमें कन्वर्ट हो गया, मशीन कोड में। प्लस जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर इसे चला रहे हैं तो इसके अंदर ये विंडोज की लाइब्रेरी भी ऐड हो गई, ये कंबाइंडली एक exe बना लेता है। क्या बना ले लेगा भैया, ये exe stands for executable file। अब बट मान के चलिए आपका कोई फ्रेंड है और वो अपने कंप्यूटर में लिनक्स का यूज कर रहा है और आपसे कहा यार मुझे आपका प्रोग्राम चाहिए, तो आपने कहा तुझे भाई आउटपुट देखना है तो तू मेरे यहां से ये exe ले जा। exe stands for executable file। अगर आपने अपने फ्रेंड को ये exe कॉपी करके अगर उसको दे दी तो बिलीव मी जो चीज आपके यहां प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही थी वो उसके यहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसका कारण क्या है, क्योंकि जो exe थी
उसके अंदर लाइब्रेरी किसकी पड़ी हुई है बताइए, विंडो की, और आप उसे चला किसके ऊपर रहे, लिनक्स के ऊपर। सो जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, मान के चलो मैं अपने देश की, मैं जैसे हम इंडिया में हैं, तो अगर हम अपने देश की तुलना किसी दूसरे देश से करें जहां पर मतलब ठंड रहती, मैक्सिमम टेम्परेचर ही वहां पर 20 है, और ऐसे बंदे को आप जून के महीने में आप मतलब यहां ले आइए, लेट अस से आगरा ले आओ, जब टेम्परेचर 48 होता है, उसे एक काला कोट पहनाओ और उससे कहो कि तुम एक आगरा का पूरा राउंड लगाओ, उसके बाद फिर हम दोनों बात करेंगे। जिस इंसान को 20 में रहने की आदत है, आप उसे 48 में तो ऑलरेडी लेके आ गए, उसे प्रॉब्लम तो होगी ना। क्यों हो रही है? क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट के कॉम्पिटेबल नहीं। अगर आपको ऐसे दिसंबर जनवरी के महीने में किसी ऐसे देश में छोड़ दिया जाए जहां पर टेम्परेचर माइनस में और आपको टी शर्ट में छोड़ दिया जाए, तो वहां पर हमको प्रॉब्लम होगी। तो वहां के बंदे को यहां प्रॉब्लम हो रही है, यहां के बंदे को वहां प्रॉब्लम हो रही है। इसका कारण क्या है? हम एक दूसरे के एनवायरमेंट के कॉम्पिटेबल ही नहीं। सेम कॉन्सेप्ट है इसमें, लाइब्रेरी किसकी पड़ी थी, विंडो की, और आप उसे चला किसके ऊपर रहे, लिनक्स के ऊपर, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। तो आज आपको एक नई चीज समझनी पड़ेगी कि जो कंपाइल्ड कोड होता है सी और सी प्लस प्लस का, वह ओएस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है? ओएस डिपेंडेंट। बट अगर मैं आपसे सोर्स कोड की बात करूं जिसे आपने और मैंने टाइप किया, वह ओएस इंडिपेंडेंट। ध्यान रखिए, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। आपको उस लाइन को समझना पड़ेगा, मैंने नोट में लिख रखा है कि सोर्स कोड ऑफ सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज ओएस इंडिपेंडेंट, वेयर एज कंपाइल्ड कोड ऑफ दिस लैंग्वेज आर ओएस डिपेंडेंट। जो कंपाइल्ड कोड होगा इसका, वह ओएस डिपेंडेंट होगा। तो इस प्रॉब्लम को अगर आप दूर करना चाहते हैं, टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, कौन सी वाली प्रॉब्लम, कि जो कंपाइल्ड कोड है वो ओएस पर डिपेंड ना हो, तो इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं, यानी कि आप इंडिपेंडेंस ही चाहते हैं हर चीज में, तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, और उसका नाम क्या था पता है? जावा। यहां पे मैंने लिखा है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वन लैंग्वेज वॉज इंट्रोड्यूस, दैट वॉज वॉट, जावा। तो अभी तक हमने सिंपल ये डिस्कस किया है कि वाई जावा, हमें जावा क्यों सीखनी चाहिए। आपने नोटिस किया होगा मैं बिल्कुल फ्लैशबैक में गया था, मैंने तो वहां से शुरुआत की थी कि भाई हम दोनों लोग हैं, हम लोगों को उस भाषा में बात करनी पड़ेगी जो हम दोनों को आती। तो मैक्सिमम लोग, हम जैसे लोग, हिंदी जानते हैं। सो मैं आपसे हिंदी में ही तो कम्युनिकेशन कर रहा हूं, बट मैंने फिर आपकी जगह कंप्यूटर की बात की, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको चीजें बताई। तो आज मैंने एक टॉपिक कंप्लीट किया है जिसका नाम था वाई जावा। मैं अगले सेक्शन में या जो अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा व्हाट इज जावा।